ये कुआ कुई साथ में सो रहा है, एक कुआ एक कुई है, चूहा बच्चा चूहा, एक हाथ उठा के एक जैसे स्टाइल में रहे हैं। सरिया ओ सरिया, अरे एक घोड़ा बेच के सो रहा है, अरे एक छोटा वाला गाधा बेच के सो रहा है। रोज रोज अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दोजानी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। बस सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। आर्यन तुमने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया, क्यों? सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के बैठ जाते हो, क्यों 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 क्यों? रात को पूरी सुसु कर दी, फिर पूरे कपड़े चेंज किए मम्मा ने नींद में, ओ सारे कपड़े चेंज किए। चलो फिर अभी पूरे कपड़े भी रात को भी चेंज किए थे, अभी चेंज किए और इसको वो किया है, सॉक्स वॉक्स पहना के अभी जा रहे हैं नीचे। ठंड है, इट्स वेरी वेरी कोल्ड, सुबह सुबह की ठंड। आज हम जल्दी उठ गए हैं। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग तो बोलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठंडे पानी से यार मुंह भी नहीं धोया जाता, इतना ठंडा ठंडा लगता है। और अभी से स्किन केयर भी आज से स्टार्ट कर दूंगी, बहुत टाइम हो गया। प्रेगनेंसी तक स्किन केयर की थी, फिर बेबी हो गया ना, टाइम ही नहीं मिला, तो स्किन केयर ही मैंने छोड़ दी, तो कुछ कुछ निशान अभी तक रह गए, तो आज से स्किन केयर भी शुरू करेंगे। सबसे पहले करके आते हैं नाश्ता, और ये ना भालू लेके बैठी है कि नीचे, चलो चलो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हमारा सुबह सुबह का अंडा, रोटी और सुबह सुबह की चाय, चिप्स। तो फ्रेंड्स अभी नाश्ता कर लिया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच, और आज लंच में बना रही हूँ चिकन का सालन एंड बैंगन। तो देखती हूँ कैसा बनता है चिकन का सालन। फ्रेश फ्रेश चिकन इधर हो गया, अभी बस इसको कढ़ाई को गर्म कर दिए, बैंगन डाल दिए हैं, यहाँ पे क्रश्ड ऑनियन, ये गार्लिक कूट रही हूँ, और ये है जिंजर, बाकी टोमेटो उधर से लेना है, कल की सब्जी थी इधर अभी धो के रखनी है, बाकी राइस भी इधर से हो गए। मैं आपसे मिलती हूँ पूरा पका वका के किचन को साफ करके। बस ये टोमेटो गल जाए थोड़े, फिर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, और मसाले की बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। बस इसमें थोड़ा सा गरम मसाला नहीं डाला, बाकी सारे मसाले डाल दिए। चलो इसको अभी पकाते हैं, वो भी ऑलमोस्ट एक साइड पक गया है ये, और फिर ये बाकी पकना है। इसको कर देते हैं बंद, ये बेचारा टूट गया, इसको ऐसे रख देते हैं। आलू भी डालेंगे तो आलू भी यहाँ रखें। ये सब क्लीन, चिकन भी ऑलमोस्ट जो है वो पक गया है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम बाहर आ गए, और मैंने पता नहीं किस खुशी में इमोन इतनी लाल लिपस्टिक लगाई है, अजीब तो नहीं लग रही? ऐसा लगता है शादी में जा रहा, बिना दवा वाला शादी। मेरे कपड़े तो दिखा, मैंने आज ये वाली ड्रेसिंग की है, और साथ ही में मैंने शूज़ पहन लिए। तैयार किस खुशी में हुई मुझे नहीं पता, ऐसे ही बस तैयार हो रही थी, रेड लिपस्टिक देखी, मैंने कहा आज लगा ही लेती हूँ, इतने दिन से पड़ी हुई है, तो इसलिए भले अजीब लगे लगा दी। कमेंट से बताना कैसी लग रही है। और अभी हम लोग ना निकल गए असल में वॉक में, तो वॉक में ना मैं क्यों तैयार होकर आई हूँ कैसा लगता है, किसी को क्या पता वॉक पे, किसी को ऐसा भी लग सकता है ना कि हम लोग ना डेट पर जा रहे हैं, हम लोग फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और शॉपिंग पे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली निकले हैं बिना दावत के शादी करने जा रहे हैं, बिना दावत की शादी खाने, किसी को क्या पता है ना। देखो कर्ल भी किया है बाद में, तो अभी हम लोग ना बस वॉक करते रहेंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज फाइनली सोच लिया कि वॉक कर ही लें, इतना लंबा टाइम हो गया वॉक नहीं किया ना, थकी हुई ऑलरेडी, लेकिन वॉक इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ड्रेसिंग कुछ भी और नीचे से शूज़, बस वॉक के है ना काम हो जाएगा। और आज देखो फ्रेंड्स मैंने पहनी है इमोन की दी हुई गोल्ड रिंग, फेक गोल्ड, गोल्डन का फेक या रियल? यार गोल्ड इज गोल्ड, रियल या फेक? कलर गोल्ड है ना, मतलब गोल्ड रिंग, इसको गोल्ड रिंग ही तो बोलते हैं ना। बाय द वे आज जो मैंने चिकन बनाया था ना वो इतना टेस्टी हुआ, अब्बा को अपने गांव की याद आ गई, क्योंकि चिकन जो है ना वो बहुत टेस्टी बना था, बहुत मज़े का। लेकिन मैं फाइनल लुक ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत काम हो रहे थे ना। ये दिखा सकते हो, अभी तो थोड़ा ही बचा है, इतना तेल निकला पता नहीं कैसे, अब्बा ने बोला इतना ऑयल नहीं चिकन, तो मैंने कहा ये चिकन का तेल है अब्बा, मैंने ऑयल नहीं डाला इतना। सादिया अभी एकदम लोकल रेस्टोरेंट में बैठ के, असल में सादिया टायर्ड हो गया था, अभी बैठने का जगह नहीं मिल रहा था, इसे रास्ते के चाय की दुकान के बाहर बैठ गए चाय पीने के लिए, असल में रेस्ट ले रहा है। लास्ट ब्लॉग में उसने बोला है कि उसने नहीं खाएगा बाहर का खाना, बॉयकॉट कर दिया। तो
फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर आ गए हैं और आज ना चाय पी के बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे स्टाइल में चाय नहीं पी, तो मेरे बहुत ही वो थी कि इमोन चाय। मैंने पहले बाइकआउट किया था स्ट्रीट फूड बाय द वे, लेकिन मैंने सोचा कुछ और बाहर खाए ना खाए, चाय तो बहुत हेल्दी होती है ना, चाय चलो पी लेते, चाय क्यों माफ़ करते हैं स्ट्रीट फूड। तो इसलिए मैंने चाय पी ली और फिर हम चाय इतना ढूंढे ढूंढे बहुत ज़्यादा वॉक कर ली, चाय मिल नहीं रही थी कहीं, तो वही एक जगह मिली थी तो इसलिए मैंने चाय पी उधर से, बहुत अच्छी थी। हम दोनों ने हाफ ऑफ पिया। इमोन चाय बहुत टेस्टी थी ना? मैंने थोड़ा पिया था, अच्छा था। अभी आर्यन, लेट्स गो नीचे, लेट्स गो टू दादी एंड दादा। चले नीचे चले। आजकल आर्यन इधर से ऊपर हो जाता है नीचे जाने के लिए, गोदी में उठाओ इधर से साइन देता है ऊपर होके। टोपी पहना? पिंग पिंग। नहीं, टोपी की जरूरत नहीं है। आर्यन ने आज बड़ा सीन कर दिया। एक तो सुबह इसने पूरे सुसु कर दी ड्रेस में, नींद से उठ के मैं इसको पहला ड्रेस चेंज किया, क्या क्या किया तुम्हें पता चला था रात को मैं क्या कर रही थी? पूरा मैंने चेंज वेंज किया था इसके ड्रेस, पता है। और दूसरा, अभी डायपर चेंज के टाइम एक तो बड़ी वाली चीजें करता है वो, चेंज एक तो बड़ी बड़ी चीजें करता है वो, साफ करने में मामा को बहुत टाइम लगता है, ऊपर से साथ में सुसु भी कर दिया। क्यों भाई? हाँ, मामा का काम बढ़ा दिया। तो फिर वो करते 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 घर आते ही इतना टाइम हो गया। अभी चलो जाके मैं कुछ चाय वाय बनाती हूँ, शाम को कुछ ना कुछ सीन करती हूँ क्या करते हैं सबके लिए। तो चलो इसको नीचे और इसको भी कुकी कुकी का बिस्मिल्लाह, चलो नीचे लेके चलते हैं, लेट्स गो। घर आते आते सब्जियां भी लेके आ गए, पम्पकिन एंड कद्दू, और ये रहा हमारा शाम का खाना। जो दिन को चिकन बनाया था ना उसी के साथ ही रोटी खा रहे हैं। तो बाहर का देखो नहीं खाया आज हमने, पिज्जा आया था घर में लेकिन नहीं खाया मैंने और इमोन ने। सादिया को मिला नहीं, सादिया ढूंढ रहा था सबने खा लिया। नहीं, मैंने सोचा नहीं खाऊंगी, फिर सोचा खाऊंगी। जब से आर्यन हुआ है ना तब से मैगी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे, और वो बेचारी इधर उधर इधर उधर चलती रहती है क्योंकि उसको रूम में हम नहीं आने देते ना, तो क्योंकि बच्चा छोटा है बहुत, तो उसको पेट से दूर रखते हैं, तो बहुत ही दुख लगता है। मैगी कम, मैगी कम कम कम, हाँ कम कम कम। उसको लगा मैं उसके साथ बॉल से खेल रही हूँ तो वो दूर चली गई। आज इसको भी शॉवर ओवर कराना है, नहलाना है, और इसको सफाई वफाई तो रखते हैं लेकिन इसको रूम में बस नहीं आने देते, तो ये बहुत स्टार्टिंग में बहुत ही जेलस फील करती थी, दुख करती थी, लेकिन अभी जाके इसने अंडरस्टैंड किया है कि घर में एक बेबी है। तो आर्यन थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना फिर हम इसको और मैगी की दोस्ती करवाएंगे, फिलहाल नहीं। और इसको भी आवाज़ भी नहीं जा पा रहे, बिल्कुल टाइम नहीं होता आजकल बिल्कुल भी। तो मैगी थोड़ा आर्यन बड़ा हो जाए फिर हम तुम्हें रूम में भी आने देंगे और दोस्ती भी कराएंगे, ठीक है? अंडरस्टैंड करती है, शाबाश हो यार, जानवरों को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब इंटेलिजेंट जानवर है बहुत। कभी कभी मम्मी तंग करने के लिए उल्टी सीधी हरकत भी करती है, इधर उधर कुछ चीज़ें कर लेती है तंग करने के लिए, लेकिन हमेशा मेरे मतलब शेडो की तरह चलती रहती है। जहाँ मैं जाऊँ मेरे पीछे पीछे मैगी, हर जगह बाथरूम जाऊँगी बाहर वेट करेगी, कहीं भी जाऊँ मैगी आस पास होती है। तो ऐसे मतलब मुझसे बहुत कनेक्टेड है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आर्यन बड़ा हो जाएगा ना तो उनकी फिर हम आपस में मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल तो हमने डिस्टेंस में ही रखा है इसलिए, नहीं तो नॉर्मली तो हमारे, आपने देखा होगा कि रूम से तो हम निकलते ही नहीं, इसको रूम में ही थी पूरा टाइम। तो अभी इसका अच्छे से सारा सेटअप कर दिया रूम के बाहर ही, लेकिन रूम में नहीं आने देते। छोड़, समझ गई हो ना? नहीं समझी? चुप ही चुप हो जा। ही कम, गो सिट गो सिट गो सिट। कहाँ गई? गो सिट गो सिट। गर्मा गर्म बिस्तर में बैठो, ठंडे ठंडे में, इतना तो ठंड नहीं है, इसको ड्रेस पहनी हुई है ठंड की, लेकिन उसका ये बिस्तर और इसका खाना पीना इधर है। खाना भी नहीं खाया तुमने? हाँ, सुबह खाया था, रात का नहीं खाया, बाद में खाना। ओके 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 ओके, ओके। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, घर में कुछ और काम हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो आप उधर जा रहे हैं, और बस आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सी यू इन योर नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन खुदा हाफिज़, बाय बाय।